नमस्कार, स्वागत है आपका ध्रुव अकेडमी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे तरकई और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है। इस अर्थक्वेक में अभी तक लगभग 40,000 जाने जा चुकी हैं, तो इस कारण से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दो सेगमेंट्स में, एक करंट अफेयर के सेगमेंट्स में और एक हमारे ज्योग्राफी के सेगमेंट में। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला इसका कारण है एंटोनियन फॉल्ट। फॉल्ट ज्योग्राफी में जो टर्म है उसका मतलब होता है गैप। गैप किसके बीच में? बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर बिटवीन टू रॉक बेड्स। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये दो रॉक बेड्स हैं, इनके बीच जो स्पेस है या जो इनके बीच जो गैप है उसको हम बोलते हैं फॉल्ट। और ये जो फॉल्ट है इसका काम होता है इन दोनों के बीच की मूवमेंट को अलाउ करना, ये दोनों हिलजुल सकें। वो जो है फॉल्ट अलाउ करता है, गैप जो है अलाउ करता है। अब ये जो मूवमेंट है ये तीन टाइप की हो सकती है। या तो ये एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। तो हमें पता लग गया फॉल्ट क्या चीज़ होती है। अब हम देखते हैं ये एनाटोलियन क्या चीज़ है। तो आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा पेंजिया के बारे में। पेंजिया क्या था? जो हमारा जितना भी हमारा लैंड मास है वो उसका एक कंबाइंड लैंड मास था, उसको हम बोलते थे पेंजिया। लेकिन समय के साथ जो पेंजिया था वो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में ब्रेक हो गया और लगभग 10 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स में ब्रेक हो गया। तो हम अभी जब जिस अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे हैं वो इस एरिया में आया है। ये एरिया तीन प्लेट से सराउंडेड है, एक है यूरेशियन प्लेट, दूसरी है अफ्रीकन प्लेट और तीसरी माइनर प्लेट है अरेबियन प्लेट। इनके बीच जो फॉल्ट है या इनके बीच जो गैप है उसको हम बोलते हैं एनाटोलियन गैप। जो टर्की और सीरिया हैं वो इस एरिया में आते हैं, इस प्लेट के ऊपर आते हैं। ऑल्दो जो सीरिया है उसका थोड़ा सा ही पार्ट आता है, मेजरली टर्की का आता है, लेकिन जो ये अर्थक्वेक है वो दोनों कंट्रीज में आया है। रीज़न क्या है? दोनों एक ही प्लेट पर लाई करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा क्या कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है डेप्थ ऑफ फोकस। अब एक और टर्म है ज्योग्राफी में फोकस। हमने पीछे देखा ये जो फॉल्ट है, ये जो गैप है, ये अलाउ करता है मूवमेंट को और मूवमेंट तीन टाइप से हो सकती है। तो ये जब ये मूवमेंट हो रही होंगी तो इनके बीच वाइब्रेशंस होंगी और उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। तो जिस पॉइंट से ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ओरिजिन होगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, या फिर इसी इसका एक और नाम है हाइपो सेंटर। ये पॉइंट कहाँ पर होगा? धरती के अंदर। इस पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर धरती के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। अगर ये पॉइंट जो हमारा फोकस है धरती से अगर 70 किलोमीटर तक होगा तो इसको हम बोलते हैं शैलो फोकस। अगर ये पॉइंट धरती से 300 किलोमीटर तक है तो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फोकस। और अगर हमारा हाइपोसेंटर या फोकस जो है 300 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई पर है तो इसको हम बोलते हैं डीप फोकस। तो अगर मान लो 70 किलोमीटर से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है तो उसको हम बोलेंगे शैलो टाइप ऑफ अर्थक्वेक, शैलो टाइप ऑफ अर्थक्वेक। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा अगर वो कम होगा तो हमारे जो एनर्जी है, जो हमारी वाइब्रेशन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी जो तो ज़्यादा नुकसान होगा, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, जो कि सीरिया और टर्की में देखा गया। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फोकस था या जो हाइपोसेंटर था उसकी हमारी डेप्थ थी 18 किलोमीटर, यानी कि शैलो टाइप ऑफ फोकस था। एक फिनोमिना देखा जाता है जिसको हम बोलते हैं आफ्टर शॉक्स, यानी कि शॉक्स यानी सिमिलर टू वाइब्रेशन, यानी कि पहले अर्थक्वेक आएगा उसके बाद छोटे छोटे और अर्थक्वेक आएंगे। तो यहाँ पर तुर्की और सीरिया में 40 अर्थक्वेक, ये 40 आफ्टर शॉक्स देखे गए थे, यानी कि पहले एक अर्थक्वेक आया उसके बाद 40 टाइम्स फिर से अर्थक्वेक आया विद इन फ्यू मिनट्स। तो इस कारण से यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा डेथ्स देखी गई। तो अगर हमने अर्थक्वेक को मेजर करना हो, मापना हो, तो इसके दो तरीके हैं, एक है इंटेंसिटी और एक है मैग्नीट्यूड। इतनी एनर्जी रिलीज हुई जब अर्थक्वेक हुआ, और इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी डैमेज हुई जब अर्थक्वेक आया। डैमेज को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है मर्कली स्केल।
और एनर्जी को या फिर जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं, उसका नाम है रिक्टर स्केल। अब जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसका हम मैग्नीट्यूड देखते हैं ये कितना है। तो जैसे टर्की और सीरिया में जो आया था उसका मैग्नीट्यूड था 7.8, और इसके बाद आफ्टर शॉक्स आए जिनका मैग्नीट्यूड लगभग 5 या 6 के करीब था, तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से वहाँ पर इतनी डिस्ट्रक्शन देखी गई। एक और आपने बात याद रखनी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने एक मिशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। क्यों चलाया है? इस ऑपरेशन के थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट है और स्पेशली जो हमारी एनडीआरएफ है वो हेल्प कर रही है, चाहे वो फूड के रिलेटेड हो चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो। तो इस ऑपरेशन के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, एक आपने ऑपरेशन गंगा सुना होगा और एक आपने ऑपरेशन देवशक्ति सुना होगा, एक यूक्रेन के लिए था और एक अफगानिस्तान के लिए था। अब हम देखते हैं जो हमने पढ़ा वो क्वेश्चंस, वहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ, जो कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि जो पेंजिया है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो गया, उसका क्या कारण था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। दूसरा हमारा क्वेश्चन है सिस्मोमीटर मेजर्स, तो ये जो हमने बोला कि जो अर्थक्वेक होता है तो ये क्या होता है, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन यानी अर्थक्वेक। तो ये जो वाइब्रेशन है ये कौन सी वेव्स होती हैं, इनको हम सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सिस्मोमीटर क्या करता है, सिस्मोमीटर क्या करता है, सिस्मिक वेव्स को मेजर करता है यानी कि अर्थक्वेक को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स फर्स्ट, जो हमारा फोकस होता है या हाइपो सेंटर होता है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होता है, धरती के ऊपर एपी सेंटर। अगर धरती के अंदर, या फिर ये पूछा होता कि अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो इसका आंसर होना था फोकस। तो आपने देखा कैसे हमने एक करंट अफेयर के टॉपिक को लिंक किया एक स्टैटिक टॉपिक से, यानी कि ज्योग्राफी, यहाँ पर हमने ज्योग्राफी से लिंक किया। तो ये ऐसे ही हम, हमारा एक स्पेशल बैच शुरू होने वाला है एचपी टेट के लिए, जहाँ पर हम हर एक टॉपिक को ऐसे लिंक करेंगे करंट अफेयर को स्टैटिक से या स्टैटिक को करंट अफेयर से, सो दैट हम मैक्सिमम गेस कर सकें कि कौन से टॉपिक से या फिर कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो अगर आपको और जानकारी लेनी है इस बैच के बारे में तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।